संभल में हुए बवाल की मजिस्ट्रल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। संभल के डीएम ने जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। 7 सदस्यीय टीम 7 दिन में हिंसा की जांच रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। वहीं संभल हिंसा में अब तक 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें संभल सांसद जियाउर रहमान और स्थानीय विधायक के बेटे सुहैल इकबाल का भी नाम शामिल है। इनके द्वारा ये कहना कि पुलिस ने गाड़ी स्वयं जलाई, जबकि आपको दिन में ही हमने ड्रोन के फुटेज और विभिन्न फुटेज दे दिए गए हैं, जिसमें दंगाइयों की भीड़ है, वो करीबन 6 से 7 वाहनों को इन्होंने जलाया है। इन सभी लोगों से प्रॉपर तरीके से जितना भी पैसा इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी, चाहे तार जलाए हों चाहे गाड़ियां जलाई हों, सबके सब पाई पाई वसूला जाएगा। दंगाइयों की ओर से गोली फायरिंग हो रही थी, ये उन्होंने स्वयं बोला, और स्वयं ही बोल रहे हैं कि पुलिस भी फायरिंग कर रही थी। कभी बोल रहे हैं कि पुलिस अपने असलहे से फायरिंग कर रही थी, कभी बोल रहे हैं कि तमंचे से फायरिंग कर रही थी। इसका अर्थ ये है कि ये जब भ्रम फैला रहे थे, क्योंकि जो भ्रामक व्यक्ति होता है, जो सच नहीं बोल रहा होता है, उस व्यक्ति के पास कोई चीज एक तरह से क्या मैं बोलूं क्या नहीं बोलूं, क्या सही है क्या गलत है, तो बीच में सही गलत चीजें निकलती रहती है। तो इन्होंने स्वयं बता दिया कि जो दंगाई थे वहां से फायरिंग हो रही थी। संभल में पथराव और आगजनी को लेकर जहां मुरादाबाद के पुलिस कमिश्नर ने दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है, तो वहीं एफआईआर में नामजद विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल ने अपने आप को बेकसूर बताया है और जांच की मांग की गई है। 7 FIR इस मामले में किए गए हैं और अभी तक जो था 15 लोग नामजद और करीब 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR हुई है। इसमें जो जफर अली की आपने बात की, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ का मतलब वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि वो तथ्यों से अलग बातें कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो लोग ये सोचते हैं कि मुंह पे गमछा बांध के या रुमाल बांध के वो छुप जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उस जगह के कैमरे से छुप जाएंगे, तो बाकी जगह पे भी कैमरे लगे हैं। बहुत जल्दी सभी लोगों के साक्ष्यों के साथ सबको सामने करेंगे। ना कोई मैंने ऐसी हेट स्पीच करी ना कुछ करा। जिस दिन सुबह को रात को ये मालूम हुआ कि सुबह में अहले फजर को टीम फिर आएगी, तो चूँकि विधायक जी यहाँ मौजूद नहीं थे, उनके पीछे सारा काम मैं देखता हूँ, तो उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए मुझसे कहा था कि शहर के अंदर निज़ाम खराब ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने खुद को धमकी मिलने का दावा किया है, साथ ही कहा है कि चाहे कितनी भी धमकी मिलती रहे मैं लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने संभल हिंसा के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस उग्र भीड़ ने भारी मात्रा में पत्थरबाजी की, और ये पत्थर जितने आज पत्थर चलाए गए हैं, ये पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे लोगों को भड़काया है इस तरह का काम करने के लिए, और एक पूरा टारगेट था, एक पूरे षड्यंत्र था कि जो सर्वे के लिए टीम अंदर गई हुई है उस टीम को टारगेट किया जाए और वहाँ पे उस पर विघ्न उत्पन्न किया जाए। संभल का घटना बड़ी दुखदाई है, दर्दनाक है, जिसमें 5-5 बेकसूर लोगों की हत्याएं हुई, हर दुनिया में नहीं है। ये बहुत दुखदायक है, दर्दनाक घटना है, और ये जो घटना हुई है संभल में, इस संभल की पूरी घटना की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जिम्मेदारी। संभल बवाल को लेकर इंद्रेश कुमार ने कुछ राजनीतिक दलों पर मुसलमानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल एडवाइजर काब रशीदी ने संभल बवाल में हुई मौतों की जांच की मांग की है। जब दोनों पार्टियों ने स्वीकार किया है सर्वे को, फिर वहां दंगा, यह किसी ना किसी वो साजिश है जिसके कारण मुसलमान को यह लगने लग जाएगा कि जो पार्टियां उनके वोट की खरीद फरोख्त करती हैं और मदद करती हैं, सचमुच में वह उनके वोट को भड़काकर गलत फहमियों में डालकर खरीदने का धंधा करती हैं। इसलिए जो हार गए उपचुनाव उनकी ये देन है, और जिनको ये लग रहा है कि मुसलमान सच जान गया तो उनके वोट बैंक से निकल जाएगा, उन नेताओं की ये देन है। दूसरी पेशी कोर्ट में 29 को होनी थी,
लेकिन उससे पहले पहले दूसरा सर्वे आनन फानन में कराया गया, हालांकि उसके आदेश कोर्ट ने नहीं दिए थे। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर इतनी आपाधापी किस चीज की थी, किस चीज की जल्दी थी जो आप वहां पर करने जा रहे थे। दूसरी बात यह है कि साहब 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है वहां पर, आखिर कोई तो जिम्मेदार होगा ना। पुलिस अगर ये कह रही है कि वो हमारी गोली से नहीं मरे हैं, तो आप ये तो तय करो कि वो किसकी गोली से मरे। क्या आपके इतना भर कह देने से कि हमने फायर नहीं किया है क्या काम हो जाएगा? समाजवादी पार्टी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा और यूपी के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल संभल के लोगों से बात करेगा, जिसकी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। तो सपा का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा, माता प्रसाद पांडे भी संभल जाएंगे और वहां पर संभल के लोगों से बातचीत की जाएगी इस प्रतिनिधिमंडल की ओर से, और इसकी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। संभल में मस्जिद के सर्वे के बाद हुई हिंसा पर जहां बीजेपी सांसद रवि किशन ने कोर्ट के आदेश का पालन होने की बात कही, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने संभल हिंसा के पीछे बड़ी साजिश का आरोप लगाया। उसके लिए वहां पर छानबीन करके जानकारी लेने गए थे, उन पे पथरा हुआ गलत है, और वहां के नेता लोग जो कर रहे हैं उनके नेताओं को समझना चाहिए किस तरह से बच्चों को आग में ना झोंके, युवाओं को आग में झोंक के खुद एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, इस तरह की बयानबाजी करके अपने ही समुदाय के लोगों को आगे बढ़वा देते हैं, तो ये बहुत गलत है। उनके समुदाय के, मैं मुसलमान समुदाय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने नेताओं के जितने मुस्लिम नेताओं हैं आप उनकी बातों में ना आके आक्रोशित हों, मैं निवेदन करता हूँ, शांति बरकरार रहें। अगर जो भी वहाँ सत्य होगा जैसा भी हो वो पूरा माननीय कोर्ट के आदेश का पालन हम सबको करना चाहिए। एक पहले से मनसूबाबंद तरीके से इसकी पहले से ही स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई थी, जो बड़ी दुखद है, और प्रशासन को ऐसे ही टैकल करना चाहिए जैसे एक हम सब एक मुल्क के एक ही मुल्क के शहरी हैं, एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, सबके कहीं ना कहीं पूर्वज भी एक ही हैं, लेकिन जिस तरह से वो उन्होंने धावा बोला नारे लगाते हुए, तो वो उकसावे की तरह था ही कि शायद पहली दफ़ा वो काम नहीं हो सका था उनकी मौजूदगी की वजह से MP साहब की, तो उनकी गैर मौजूदगी में और उस तरह से उसको आनन फानन जल्दबाजी में किया गया ताकि शहर को टारगेट किया जा सके। आज देश भर में संविधान दिवस समारोह मनाया जाएगा। पीएम मोदी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत के संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी आज संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी शाम को 5 बजे सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक भवन परिसर के सभागार में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। वहीं भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट जारी करेंगे और इस अवसर पर अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें कि आज के दिन ही यानी कि 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। वहीं लखनऊ के लोक भवन में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होना है। संविधान की उद्देशिका का पाठन नाम का ये कार्यक्रम रहने वाला है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:30 बजे से लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। शाम को 4 बजे संविधान दिवस पर यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नए आपराधिक कानूनों के तहत न्याय प्रक्रिया में फॉरेंसिक विज्ञान और साइबर सिक्योरिटी की भूमिका पर आयोजित कॉन्फ्रेंस का सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे और ये कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी में प्रयागराज मानिकपुर रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर सीएम योगी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को
फायदा होगा। धार्मिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच बढ़ेगी और इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। सतना से आगे मानिकपुर से प्रयागराज वाला जो सेक्शन है ये बघेलखंड क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इसको ऊपर पूर्वांचल से जोड़ने वाला ये लाइन थर्ड लाइन बनेगी 84 किलोमीटर की। तो ऐसा करने से कंप्लीट पूर्वांचल से मुंबई की जो कनेक्टिविटी है उसमें बहुत कैपेसिटी बढ़ेगी और मुंबई ने तो जो आशीर्वाद दिया है सभी चाहते हैं कि खूब गाड़ियां नहीं चले, तो ये सब प्रोजेक्ट होने से आमची मुंबई को और भी कई गाड़ियां मिल सकेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने पैन कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है और पैन 2.0 के लिए मुहर लगी है। पैन 2.0 पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैन 2.0 पेपरलेस प्रोसेस होगी और पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया में नए कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार 1,435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन नंबर बदले बिना ही कार्ड एडवांस होंगे। लोगों को QR कोड वाले पैन के लिए अलग से कोई खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए पैन कार्ड में आपका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित होगा। 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अभी चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर करीब करीब 15 साल 12 साल 20 साल इनकी लाइफ हो चुकी है और एक नई सोच, एक डिजिटल इंडिया का एक नया रूप सामने आने की जरूरत है। इसके लिए पैन 2.0 आज अप्रूव किया गया। कंप्लीट पेपरलेस, कंप्लीट ऑनलाइन रहेगा और इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर भी। किस तरह से किसी की कोई तकलीफ हो कहीं पर, किसी भी छात्र, किसी भी यूजर को, तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट में केस वापसी की अर्जी को मंजूर कर लिया गया है। याचिका वापस लेने की अर्जी लगाई गई थी। अवधेश प्रसाद के खिलाफ याचिका दायर थी। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये याचिका लगाई गई थी और बेंच ने ये याचिका मंजूर कर ली है, जिसके बाद मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। तो केस के चलते उपचुनाव यहां पर नहीं हो पाया था, लेकिन अब यहां पर उपचुनाव हो पाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने लॉजिक सिटी बिल्डर की जांच के लिए ईडी को पत्र लिखा है। आवंटी ने भूखंड की धनराशि जमा नहीं करने का आरोप लगाया है। नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक परियोजना के फ्लैट बेचकर भी पैसा नहीं दिया गया। तो जांच के लिए ईडी को पत्र लिखा गया और नोएडा अथॉरिटी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई। मुरादाबाद से अगली खबर। दो लोगों ने ट्रक को बैक करते वक्त झोंपड़ी में टक्कर मार दी और हादसे में एक शख्स को चोट आई है, जबकि तीन लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं बैठे हुए लोगों ने ट्रक में बैठे दोनों लोगों को पकड़ने की कोशिश भी की, मगर ये दोनों मौके से फरार हो गए। ये पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला भी बताया जा रहा है और इस घटना का CCTV भी सामने आया। ये घटना थाना मैनाठेर क्षेत्र की बताई गई।
लखनऊ से खबर है जहां पर एक मरीज का वीडियो वायरल हो रहा है। मरीज इलाज के लिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो लखनऊ के केजीएमयू के लारी कार्डियोलॉजी अस्पताल का बताया जा रहा है और मरीज और तीमारदार डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते दिखाई दे रहे हैं। वेंटिलेटर न मिलने से मरीज ने दम तोड़ दिया। मरीज को हार्ट अटैक आया हुआ था, हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये भी यहाँ खड़े हुए हैं, कोई ध्यान मशीन वगैरह कुछ लगाए। ये देखिए ब्लड वगैरह आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये भी यहाँ खड़े हुए हैं, कोई ध्यान मशीन वगैरह कुछ लगाए। ये देखिए ब्लड वगैरह आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये भी यहाँ खड़े हुए हैं, कोई ध्यान मशीन वगैरह कुछ लगाए। ये देखिए ब्लड वगैरह आ रहा है, कोई ध्यान। इस वीडियो को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। वेंटिलेटर ना मिलने से एक शख्स ने दम तोड़ दिया और एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो डॉक्टरों से इलाज के लिए गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन लखनऊ के केजीएमयू का ये वीडियो बताया जा रहा है। आगरा पुलिस ने टप्पेबाजी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है। शातिरों के पास से लगभग 2,00,000 कैश, मोबाइल, नकली सिक्के और ज्वेलरी बरामद की गई है। थाना हरि पर्वत क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस ने बताया कि एक शख्स ने केस दर्ज कराया था। थाना हरि पर्वत पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम ने चारों टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 24 यानी 10 दिन के अंदर इस घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना हरि पर्वत पुलिस ने न केवल 2,05,000 रुपए नगद, जो इस घटना की गई हुई राशि का एक सब्सटेंशियल हिस्सा है, उसको बरामद किया है, बल्कि इन अभियुक्तों के पास से कई सारे ऐसे सोने के चेन जो दाने देते हैं ठगने के लिए, मोबाइल फोन, सिम कार्ड एवं अन्य सामान बरामद हुए हैं, जिनकी डिटेल यहाँ प्रेस नोट में आपको दी जा रही है। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।